हेलो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री उसका क्वेश्चन नंबर फोर तो मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है सी क्वेश्चन नंबर फोर मैंने यहाँ पे लिया है तो ये बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस वन फ्रॉम द लाइन करके दिया है ट्वेल्व प्लस सिक्स इज इक्वल टू फाइव वाई माइनस टू तो पहले ट्राई करो कि लाइन को मैं जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊँ तो ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू फाइव वाई माइनस टू तो ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व आ सेवेंटी टू फाइव वाई माइनस टेन तो ये ट्वेल्व एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू में माइनस टेन माइनस सेवेंटी टू ऐसा हो जाएगा बराबर तो ये ट्वेल्व एक्स माइनस फाइव वाई ये दोनों को इधर ले लो तो ये प्लस का एटी टू हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो अब ये लाइन जो है वो जनरल फॉर्म में हो गई है कन्वर्ट तो आपको पता है कि अगर कोई लाइन यहाँ पे मैं याद दिला तो आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्ल टू ज़ीरो करके कोई लाइन है और उसका कोई पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन से आपको डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो वो डिस्टेंस की फार्मूला मेरे पास क्या है मैं यहाँ पर ही सीधा लिख देता हूँ ना एक्स वन बी वाई वन प्लस सी मोड़ अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो देखो यहाँ पे ये लाइन है और पॉइंट हमारा पी करके जो है वो है माइनस वन कामा वन तो इसमें पॉइंट रखना है ये लाइन में पहले तो ट्वेल्व को मा माइनस वन माइनस फाइव वन प्लस में एटी टू मोड़ अपॉन में अंडर रूट ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस बी uh, जो है वो क्या है फाइव है तो माइनस फाइव का स्क्वायर दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव प्लस एटी टू अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा वन सिक्सटी नाइन राइट अब आपको ट्वेल्व में से माइनस करना है पहले एटी टू में से पहले ट्वेल्व माइनस कर दो तो वो आपको सेवेंटी मिल जाएगा फिर सिक्सटी फाइव तो मोड में सिक्सटी फाइव अपऑन ये थर्टीन दिस विल गिव यू द डिस्टेंस डी इज इक्वल टू फाइव बराबर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव चलिए तो क्वेश्चन नंबर फाइव मेरे पास ऐसा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई फोर इज इक्वल टू वन आर फोर यूनिट तो हम कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हमें ढूंढना है जिसका डिस्टेंस ये लाइन से फोर यूनिट हो तो हम समझ लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी उसको ए पॉइंट कर बोल देते तो यहाँ पे ए कॉमा जीरो बोल रहा हूँ क्योंकि एक्स एक्सिस पे है हुटेंस uh,

ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू यहाँ पे फोर हो जाएगा तो ये यह यहाँ पे अगर मैं पॉइंट डालू पॉइंट मेरे पास ए कॉमा जीरो है तो वो वैल्यू डालते हैं हम ये इक्वेशन में फोर ब्रैकेट ए प्लस थ्री ब्रैकेट ज़ीरो प्लस सी मतलब कि माइनस ट्वेल्व बराबर और मोड़ के अंदर यहाँ पे सिक्सटीन प्लस नाइन बिकॉज फोर का स्क्वायर और नाइन का स्क्वायर तो सी आपके पास कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे कि फोर ए माइनस ट्वेल्व मोड़ के अंदर और नीचे जो है वो ये फाइव हो जाएगा ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट और ये फोर विच मीन्स दैट मोड़ के अंदर फोर ए माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ए माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेंटी और फोर ए माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं फ़ोर ए इज़ इक्वल टू ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व विच विल गिव यू थर्टी टू ए इज इक्वल टू एट और यहाँ पे फ़ोर ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व विच मीन्स माइनस एट तो ए इज इक्ल टू मिल जाएगा माइनस टू ठीक है तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएंगे रिक्वायर पॉइंट्स आर ए कामा जीरो मतलब कि एट कॉमा ज़ीरो और दूसरा भी है दूसरा पॉइंट हो जाएगा माइनस टू कामा ज़ीरो ठीक है चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस करके दिया है दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको ये पहला आपको खुद से करना है मैं दूसरा आपको करवा रहा हूँ क्योंकि पहला जो है वो आपको ये जो करवाऊँगा वैसे ही करना है सी तो फर्स्ट लाइन कैसी है एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो दिस इज़ माई लाइन वन और सिमिलरली लाइन टू जो है वो भी एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू ज़ीरो तो आपको ये कंपेयर करोगे आप कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म यू विल गेट सी वन इज इक्वल टू पी एंड सी टू इज इक्वल टू माइनस आर राइट है तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आपको पता है डिस्टेंस की फार्मूला दो पैरेलल लाइन की सी वन माइनस सी टू मोड़ के अंदर और यहाँ पे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच मीन्स ये हो जाएगा मोड़ के अंदर p माइनस माइनस प्लस आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट मीन्स ये मोड़ के अंदर p प्लस पी पी प्लस आर अपॉन एल प्लस एल का मतलब टू एल स्क्वायर हो जाएगा ये रूट में विच मीन्स मोड़ के अंदर पी प्लस आर अपॉन रूट टू एल बराबर तो ये है इसका पहला जो है वो आपको खुद से करना है विच इज वेरी इजी राइट है चलिए सेवन नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरल टू द लाइन थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ये आपको ये पॉइंट में से पास होती हो और इसके पैरल हो ऐसी लाइन ढूंढनी है बहुत है देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन लाइनल टू थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो वो क्या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो मैंने आपको बताया था कि आपको ए और बी के को सेम रखने राइट अब लिखो यहाँ पे कि दिस लाइन दिस लाइन विल पास थ्रू माइनस टू तो कॉमा थ्री सो दैट इसके अंदर आप पुट कर सकते हो तो थ्री कॉमा माइनस टू ये लाइन के अंदर आप वैल्यू रख सकते हो माइनस फोर कॉमा तो फोर ब्रैकेट थ्री प्लस के इज इक्वल टू तो जीरो तो माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व प्लस के इज इक्वल टू तो जीरो के इज इक्वल टू एटीन मिला मतलब कि लाइन की इक्वेशन क्या बनी आपके यहाँ पे सो रिक्वायर्ड लाइन विल बी थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस एटीन इज इक्वल टू जीरो ठीक है अच्छा आ, मैंने कुछ गलत किया है शायद ओके okay. सो so, ये क्वेश्चन uh, का आंसर सही है अब हम क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो एंड हैविंग द एक्स इंटरसेप्ट थ्री तो सी uh, हमें ये भी पता है कि लाइन uh, ओके okay, ऐसा लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular टू एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो एज या तो फिर लिखो कि विल बी इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होती है याद करो कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता तो इसके परपेंडिकुलर लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते थे और लिखते थे मतलब कि बी एक्स माइनस ए वाई प्लस में के इज इक्वल टू ज़ीरो आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्या करना है कांस्टेंट इंटरचेंज करने और बीच में साइन चेंज करनी है तो इसका हो जाएगा सेवन एक्स प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो ओके ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट थ्री है इसका मतलब ये हुआ कि दिस लाइन विल पास थ्रू थ्री कोमा ज़ीरो ठीक है एक्स इंटरसेप्ट इसका क्या हो गया थ्री तो ये थ्री कोमा जीरो से पास होगी अब ये थ्री कोमा जीरो जो है वो इसमें हम पुट कर देते हैं तो थ्री ब्रैके सेवन ब्रैकेट थ्री प्लस जीरो प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो तो मतलब कि के इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन ओके सो इक्वेसन ऑफ़ द लाइन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी सेवन एक्स प्लस वाई के की जगह पर माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो तो ये जो है वो आपका यहाँ पे इक्वेशन हो गया है ठीक है आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि इसका स्लोप निकालो आप माइनस ए अपॉन बी तो माइनस ए अपॉन बी के हिसाब से माइनस वन अपॉन माइनस सेवन के हिसाब से वन बाई सेवन होगा और इसका आप स्लोप निकाल दो तो माइनस ए अपॉन बी के हिसाब से माइनस सेवन होगा जो कि परफेक्टली एक दूसरे के वो है राइट आप समझ सकते हो परपेंडिकुलर okay. है एक दूसरे के ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन कुछ ऐसा है हमारे पास कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन एंड एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू वन तो इसका जो एंगल मांगा है वो एंगल हम ऐसे फाइंड करेंगे दोनों लाइन के स्लोप निकाल देते पहले कि स्लोप ऑफ लाइन रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन इसका स्लोप आपको पता है एम वन वो माइनस ए अपॉन बी के हिसाब से क्या हो जाएगा माइनस रूट थ्री अपॉन वन मतलब कि माइनस रूट थ्री अभी स्लोप ऑफ लाइन एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू वन मतलब कि एम टू इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी के हिसाब से माइनस वन अपॉन रूट थ्री ठीक है ये दोनों का स्लोप हो गया अभी आपको पता है कि वो जो दोनों के बीच में एंगल है उसकी फार्मूला टेन आल्फा इज इक्वल टू मोड एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू हम वैल्यूस इसमें रखें तो एम वन इज़ नथिंग बट माइनस रूट थ्री माइनस माइनस प्लस वन अपॉन रूट थ्री नीचे भी सेम ऐसा वन प्लस रूट थ्री इंटू वन अपॉन रूट थ्री वो प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री और नीचे ये रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल वन प्लस वन टू हो जाएगा ये है टेन अल्फ़ा तो टेन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे जो है वो मोड में वैल्यू मिल रही है हमको माइनस टू अपॉन रूट थ्री और अपॉन में अपॉन में टू ये टू टू कैंसिल हो करके यहाँ पे आप लिख सकते हो टेन अल्फा इज इक्वल टू मोड के अंदर माइनस वन अपॉन रूट थ्री वैसे एक्चुअल में इसके बीच में दो एंगल हैं दो एंगल बनते हैं दोनों कोई भी दो लाइन के बीच में एक बार टेन अल्फा इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री और एक बार टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री तो इसके हिसाब से आपको दो एंगल बनेंगे यहाँ पे कि अल्फा इज इक्वल टू या तो एक बार पाई बाई सिक्स लिखो और एक बार पाई माइनस पाई बाई सिक्स लिखो दैट मीन्स फाइव पाई बाई सिक्स ठीक है तो दो एंगल बनेंगे कोई भी लाइन के बीच में ऐसे एक लाइन बनाई है मैंने तो एक एंगल होगा वो एक्यूट होगा एक होगा वो ऑप्टिज होगा राइट तो इस हिसाब से इसके आंसर दो मिलेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं टेन नंबर का क्वेश्चन हमारे पास ऐसा दिया है कि द लाइन थ्रू द पॉइंट एच कोमा थ्री फोर कोमा वन इंटरसेकट द लाइन सेवन एक्स माइनस नाइन वाई माइनस नाइनटीन इज इक्वल टू ज़ीरो एट राइट एंगल फाइन द वैल्यू ऑफ एच मतलब कि ये इन दोनों में से निकलने वाली लाइन और ये दोनों इसमें से निकलने वाली लाइन दोनों एक दूसरे के राइट एंगल है यानी कि दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन होता है तो पहले हम ये लिख लेते कि स्लोप ऑफ <coughs> स्लोप ऑफ लाइन एच कॉमा थ्री एंड फोर कॉमा वन स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इज एम वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन मतलब वन माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस एच एंड दूसरा है उसका स्लोप स्लोप ऑफ लाइन सेवन एक्स माइनस नाइन वाई माइनस नाइनटीन इज इक्वल टू जीरो विच मीन्स एम टू इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा माइनस ए अपॉन बी उसके हिसाब से ये सेवन बाई नाइन हो जाएगा ओके okay. तो वी नो दैट एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन बिकॉज दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दैट मीन्स यहाँ पे मैं एम वन की वैल्यू ये लिखूँगा वन माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस एच इन यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे ये सेवन बाई नाइन इज इक्वल टू मैं माइनस वन ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर करें तो ये माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई सेवन मतलब कि माइनस फोर्टीन अपॉन थर्टी सिक्स माइनस नाइन एच इक्वल टू माइनस वन तो अभी आपको अभी क्या मिलेगा यहाँ से आगे ये माइनस माइनस दोनों कट मतलब कि फोर्टीन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस नाइन एच नाइन एच इज़ इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस फोर्टीन तो एच इज़ इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी टू बाई नाइन ये वैल्यू हो गई एच की जो उन्होंने मांगी हुई है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर एलेवन प्रूव दैट द लाइन थ्रू एक्स वन वाई वन एंड पैरेल टू दिस इज ये वाली लाइन ओके तो प्रूव करना है तो सिंपल है कि लाइन पैरेल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेल टू ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो ये आपको पता है बराबर नाउ दिस लाइन दिस लाइन विल पास थ्रू एक्स वन कॉमा वाई वन तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो ठीक है मतलब कि आपको यहाँ से वैल्यू जो है वो एक्स वन की जगह पे मैंने क्या पुट किया है ये वाला तो की, की वैल्यू क्या मिली यहाँ से वो समझो की की वैल्यू मिल गई है एक्स वन माइनस माइनस बी वाई वन ऐसा अब ये वैल्यू ऊपर के इक्वेशन में पुट कर देते वन में पुट इन इक्वेशन वन तो एक्स प्लस बी वाई माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन इज इक्वल टू ज़ीरो विच मीन्स दैट ए कॉमन निकालो तो एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी कॉमन निकालो तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो ये हमारा जो उन्होंने पूछा था वो इक्वेशन हो गया प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व समझते हैं ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन जो है वो आई एम पी क्वेश्चन है पूछा जा सकता है तो अच्छे से समझेंगे इसको देख लो ये बोला है कि टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट टू कॉमा थ्री इंटरसेक्ट इच अदर एट एंगल सिक्सटी डिग्री मतलब कि दो लाइन के बीच का एंगल आल्फा आपको सिक्सटी डिग्री दिया है इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज टू m1 is 2 find the equation of other line लाइन दो लाइन है टू लाइन पासिंग थ्रू दू कोस टू कॉमा थ्री तो 3 कॉमा थ्री में से तो लाइन पास होगी ही होगी हमारे पास दूसरे दूसरी जो लाइन है उसका स्लोप नहीं हम समझ लेते हैं कि अज्यूम दैट स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज एम टू इज इक्वल टू एम नाउ हमें पता है कि दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है टेन अल्फा इज इक्वल टू हम लगा सकते हैं एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू तो टेन अल्फा की वैल्यू मतलब कि टेन सिक्सटी इज इक्वल टू एम वन की वैल्यू टू है टू माइनस एम अपॉन वन प्लस टू एम ठीक है यहाँ से अच्छी चीज़ ये है कि मोड दिया है तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे पहला केस ये है कि टेन सिक्सटी की वैल्यू तो रूट थ्री होगी तो पहला पॉजिटिव रखना है टू माइनस एम वन प्लस टू एम और दूसरा क्या करना है आपको कि माइनस रूट थ्री लिखना है मोड निकल जाए ना तो सामने की साइड साइन चेंज होती है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा टू माइनस एम अपॉन वन प्लस टू एम ठीक है तो ये बनेगा रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री एम इज इक्वल टू टू माइनस एम एम वाली चीज़ें एक साइड ले लो तो टू रूट थ्री एम प्लस एम इज इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री एम कॉमन निकालने पर टू रूट थ्री प्लस वन इज इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री एम इज इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू रूट थ्री प्लस वन सिमिलरली यहाँ पे माइनस रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री एम इज इक्वल टू टू माइनस एम आप m इधर ले सकते हो तो m माइनस टू रूट थ्री एम इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री मतलब कि m की वैल्यू हो जाएगी टू प्लस रूट थ्री अपन वन माइनस टू रूट थ्री राइट अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको तो ये दोनों ही वैल्यू जो हमें मिली है वो वैल्यू हमें यूज़ करनी है इक्वेशन में तो हम यूज़ इक्वेशन फाइंड करते थे कि इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप एम इज इक्वल टू पहले ये ले लो टू माइनस रूट थ्री ये वाला लिख रहा हूँ मैं वन प्लस टू रूट थ्री लिख रहा हूँ ठीक है एंड पासिंग थ्रू पॉइंट कौन सा होगा वो जो उन्होंने बोला है वो पासिंग थ्रू टू कॉमा थ्री दैट मीन्स अब समझो आ, ये वाई माइनस वाई ज़ीरो हमारे पास इक्वेशन है ना ये एम x minus x zero. You have slope, you have point. Put it. Y minus three is equal to two minus root three upon one plus two root three ब्रैकेट में x minus two. तो ये आपका हो जाएगा one plus two root three. Y minus three is equal to two minus root three x minus two. ओके फाइन इसको अच्छे से हम एक्सपांड करें तो एक्सपांड में थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ आप समझना इसको ये पहले y के साथ जाएगा तो वन प्लस टू रूट थ्री पूरा है ना मल्टीप्लाई वाई अब सिमिलरली ये पूरा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ थ्री के साथ तो माइनस थ्री ब्रैकेट वन प्लस टू रूट थ्री ऐसे भी तो हम कर सकते हैं ये यहाँ पे x के साथ तो टू माइनस रूट थ्री एक्स माइनस टू टू माइनस रूट थ्री चलिए यहाँ तक सही है आगे देखते हैं कि अब हम क्या करना है कि कांस्टेंट चीज़ें एक साइड करनी है और बाकी एक्स वाल, वाली एक्स और वाई वाली चीज़ एक साइड तो एक्स वाली चीज़ जो यहाँ पे है वो पॉजिटिव ही है टू माइनस रूट थ्री मतलब पॉजिटिव होता है एक्स ये इधर लेके आओ तो माइनस वन प्लस टू रूट थ्री वाई बाकी ये चीज़ जो है वो यहाँ पर ही रहने देते तो फोर माइनस फोर प्लस टू रूट थ्री ये इधर आएगा तो माइनस थ्री और ये माइनस तो दोनों प्लस हो जाएंगे थ्री और ये प्लस सिक्स रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये बनेगा टू माइनस रूट थ्री एक्स माइनस वन प्लस टू रूट थ्री वाई माइनस फोर प्लस थ्री मतलब हो जाएगा वन और ये टू वो जो दोनों है प्लस तो एट रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर वन ये एक पहला इक्वेशन बना पहला आंसर सिमिलरली आपको क्या करना है कि आ, ये लिख दो कि इफ़ एम इज इक्वल टू आपके पास दूसरी वैल्यू थी ना टू प्लस रूट थ्री अपॉन वन प्लस टू रूट थ्री वन माइनस टू रूट थ्री ये वैल्यू थी आपके पास दूसरी एंड पॉइंट पी क्या था टू कॉमा थ्री तो अभी इक्वेशन क्या बनेगा वाई माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स ज़ीरो ठीक है वाई माइनस थ्री एक्स माइनस वाई अरे एक्स माइनस टू ओके तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं वन माइनस टू रूट थ्री वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री एक्स माइनस टू ये बन जाएगा वन माइनस टू रूट थ्री वाई माइनस थ्री वन माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री ब्रैकेट एक्स माइनस टू टू प्लस रूट थ्री ठीक है चलो तो ये क्या हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री एक्स माइनस वन माइनस टू रूट थ्री वाई और ये माइनस फोर माइनस टू रूट थ्री प्लस थ्री माइनस सिक्स रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये माइनस टू रूट थ्री और सिक्स रूट थ्री माइनस एट रूट थ्री हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा मतलब कि किवेशन वही उसी टाइप का आएगा थोड़ा साइन में चेंज है सिर्फ वन माइनस टू रूट थ्री वाई ये बनेगा माइनस वन माइनस एट रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो ये दो आंसर हुए आपके तो आज का ये जो वीडियो है हम यहाँ तक रखते हैं होमवर्क में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर वन वन नहीं बट कहाँ से स्टार्ट किया था एट टू ट्वेल्व और ट्वेल्व नंबर का क्वेश्चन जो है वो टू टाइम्स करना है सेकेंडली एक बात और बोलनी थी कि आपको जो रिड्यूस इन अ नॉर्मल फॉर्म है रिड्यूस द इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म ठीक है वो थोड़ा मुझे फिर से समझाना पड़ेगा बिकॉज उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है सबको तो मैं आपको फिर से करवाऊँगा क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ये एक्सरसाइज का इसका वो तो उसके एग्जांपल भी अभी अभी आपके आंसर रॉन्ग आ रहे होंगे शायद तो मैं वो फिर से करवा दूँगा सो डोंट वरी अबाउट इट वी विल डिस्कस इट राइट ठीक है थैंक यू So guys, thank you.